ये माइक्रोमैक्स का X264 मोबाइल है और इस मोबाइल में खराबी है कि इसको हम जब चालू करते हैं तो ये केवल माइक्रोमैक्स पे आके रुका हुआ रहता है। तो इस खराबी को ठीक करने के लिए हम मिरेकल बॉक्स का यूज करते हैं। इसके लिए हम मिरेकल बॉक्स का सॉफ्ट ओपन करते हैं और सॉफ्ट ओपन करने के बाद इसमें MTK CPU लगा हुआ है, तो यहाँ से MTK सेलेक्ट किया और बूट सेलेक्ट में हम इसका CPU का नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस मोबाइल में MTK का 6552 CPU लगा हुआ है, तो हमने यहाँ से 6552 सेलेक्ट कर लिया। और इस खराबी को ठीक करने के लिए हम मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट पे टिक लगाते हैं, यहाँ से USB केबल पे टिक रखेंगे क्योंकि हम USB केबल द्वारा ठीक कर रहे हैं। और स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे बोलता है कि फ्लैश फाइल का क्या आपने बैकअप ले लिया, तो अभी हम इसको नो कर देते हैं। और यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट करने के लिए लिखा आता है, तो इस समय मोबाइल को ऑफ करके चार्ज बैटरी के साथ USB केबल द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। और कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही इस प्रकार की प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ओके लिखा आ जाता है। इसके बाद हम मोबाइल को डिस्कनेक्ट करते हैं और इसकी बैटरी को एक बार निकाल के दोबारा से लगाते हैं और इसको ऑन करके चेक करते हैं कि जिस खराबी के लिए हमने इसको ठीक किया है वो खराबी इसको ठीक हुई है या नहीं। अभी इस मोबाइल में खराबी ये थी कि मोबाइल माइक्रोमैक्स से आगे नहीं बढ़ रहा था। और फॉर्मेट करने के बाद यह मोबाइल इस प्रकार से माइक्रोमैक्स से आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब यह मोबाइल ठीक हो चुका है। फॉर्मेट करने के बाद कई फोनों के IMEI नंबर खराब हो जाते हैं, तो इसका हम IMEI नंबर भी चेक करते हैं। इसके लिए *#06# कोड डालते हैं और ये कोड डालते ही अभी इस समय इस मोबाइल की स्क्रीन पे IMEI नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस मोबाइल का IMEI नंबर खराब नहीं हुआ है।